एक जमाना था जब महिला और पुरुषों में काम का बंटवारा था, लेकिन नारी ने दोनों के बीच खींची लकीर को अपने बलबूते पर मिटा डाला। पुरुष वर्चस्व वाला ऐसा कोई काम नहीं जिसे महिला न कर सकती हो। चौखट से लेकर चांद तक का सफर उसने बड़ी सहजता से कर डाला है। स्त्री ने इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ दिया है कि नारी अबला है, अब वह सबला बन चुकी है। उसे अपनी पहचान बताने के लिए पिता या पति का नाम बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो स्त्री कभी अपने पति के साथ सती हो जाया करती थी, अब वह खुद अपने पति या पिता की चिता को अग्नि दे रही है। ऑटो, ट्रक और ट्रेन चलाने में भी वो पीछे नहीं है। हवाई जहाज उड़ाने उनके लिए न केवल आसान काम हो गया है, बल्कि पूरी एयरबस अपने दम पर उड़ाने का कारनामा अंजाम दे चुकी है। महिलाओं की शिक्षा, विकास, उत्थान आदि के लिए प्रतिबद्ध और दृढ़ संकल्पित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शहर के कुछ लोगों के विचार हमने जानने चाहिए। पेश है लोगों के विचार। ठेकेदार पास आके ना मजबूरी कर काम करके खा रहे हैं, बाल नहीं देता है, बच्चे नहीं देता है, ना आदमी नहीं देता है, कोई नहीं देते हमको, मेहनत करके खा रहे हैं। क्षेत्र में ऑफिस में बड़े अधिकारी है जो महिलाओं पे अपना दबाव बनाते हैं, घर में पुरुष होते हैं, बहुत कम जगहों पे ऐसे देखा जाता है कि आज पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिली है। लेकिन बस्तर तो महिला में इतनी अच्छी शक्ति है, उन लोग अपना शक्ति को पहचान नहीं जानते हैं और अपना आप स्वयं को उन लोग का पहचानना होगा। ऐसी समाज सेविका संस्था शासन ने बहुत कुछ महिला लोगों के लिए कर रहे हैं। आज गांव-गांव में भी आदिवासी लोग हैं हमारे बस्तर छत्तीसगढ़ में भी, आज भी इतना सुविधा होने के बाद भी, क्योंकि शहर में या किसी टाउन सिटी एरिया में जाके ना कुछ अच्छा कार्य प्रयोग को सीख नहीं पाते हैं, वो भी कम ही सोचते हैं। क्या कारण है इसका, क्या समझते हैं? उसका है कि गरीबी के कारण भी समझते हैं, और कोई कोई रईस लोग भी हैं वो महिला लोग होते हुए भी ना, क्योंकि आगे दूसरे लोग करना चाहते हैं तो भी उसको ना विरोध करते हैं, रोक डालते हैं। पुलिस विभाग में अब तक तो मुझे कोई खास परेशानी नहीं हुई है, लेकिन है थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन ऐसा तो कुछ मेजर जो, क्योंकि मेरे को अभी 3 साल हुए हैं, ये चौथा साल है पुलिस विभाग में, तो मुझे अब तक ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई खास परेशानी हुई है। लेकिन हाँ, जब फिजिकल पार्ट आता है तब आप मेरे को लगता है कि हाँ, कभी कभी एक पुरुष ज़्यादा अच्छे से लगता है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे ऐसा फील होता है, बाकी ऐसा मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि किसी मामले में कि नहीं, हम मैं नहीं कर पा रही हूँ। सामाजिक परिवेश वो पहले कुछ ऐसा था कि लड़कियों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, उनको पर्दे में रखा जाता था, उनको शिक्षा की सुविधा नहीं दी जाती थी, इस कारण वो थोड़ी सी पिछड़ गई थी समाज में। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोग अपने बेटों की तरह बेटियों को भी शिक्षा देते हैं, बेटों की तरह बेटियों का भी पालन पोषण करते हैं, उनको समान दर्जा प्रदान करते हैं, और यही कारण है कि आज लड़कियों ने अपने आप को साबित कर दिखाया है। आज ज़मीन से लेकर आसमान तक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाओं ने अपनी कामयाबी के झंडे न कदम से कदम मिलाकर आगे चल सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, और हर क्षेत्र में आगे हैं, जैसे कि पढ़ाई के क्षेत्र में हो गया, या फिर बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं घर से बाहर जा कर के, तो उन्हें अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। 3 दशकों की तुलना में जो है महिलाओं की स्थिति जो बहुत अच्छी हुई है, महिलाओं का निश्चित रूप से सशक्तिकरण हुआ। आज महिलाएं जो हैं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, न केवल एजुकेशन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, और तो और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के क्षेत्र में भी जो है महिलाएं जो हैं उतर रही हैं। निश्चित रूप से महिलाओं के विचार में और उनकी स्थिति में बड़ा बदलाव आया। बहुत सारे मामलों में देखते हैं कि शहरी में गांव की महिलाएं ज़्यादा अच्छे से कर पा रही हैं, तो लगता है दोनों ही क्षेत्रों में, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में महिलाओं में जागरूकता लाई जानी चाहिए। और दूसरा, अधिकारों की समानता की तो बात ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में अभी बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होने चाहिए जिसके लिए महिलाओं के पक्ष में माहौल बनाया जाना चाहिए। जो अभी की समाज की बहुत सारी बुराइयाँ हैं उनको दूर करने में भी महिलाओं की मदद दी जा सकती है, तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों को जागरूकता महिलाओं ने खूब तरक्की की है, जिसके लिए हम बहुत खुश हो सकते हैं। लेकिन एक बात जो अभी भी खलती है वो ये कि महिला के प्रति दृष्टिकोण उतना सही नहीं है अभी भी, कहीं ना कहीं वो उसकी स्थिति को समझ नहीं पाती है,
और मुझे लगता है कि हम तब सही अर्थों में महिला को सशक्त देख सकेंगे जब घर की माँ अपनी बेटी की स्थिति को समझेगी, जब सास अपनी बहू की स्थिति को समझेगी, कहीं प्रतिद्वंदिता जैसी बात न रहे। कमजोर चाहे महिला हो या पुरुष, बेहतर होगा सदियों तक केवल एक देह की कोमलता के कारण शोषित और पीड़ित होने के बजाय एक उन्नत मस्तिष्क और बुद्धि चातुर्य के बल पर इन कथित शक्तिशाली पुरुषों का सामना किया जाए और स्वयं पर होने वाले हर एक अत्याचार का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। नारी चाहे तो सबल बन सकती है और नारी के चाहने और करने पर ही सब कुछ संभव है। मुख्य पहल और अति सार्थक पहल केवल और केवल और केवल महिलाएं ही कर सकती हैं। महिलाओं को चाहिए कि अपने आप को पहचानें, अपनी शक्ति का अनुमान लगाएं, अपने बुद्धि को परखें, स्वयं को बनाएं, सवारें एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में। महिलाएं स्वयं को जैसा अभिव्यक्त करेंगी उनकी छवि वैसे ही बनेगी। इसलिए एक स्वच्छ, समर्थ, स्वाभिमानी और सामर्थ्यवान व्यक्तित्व वाली छवि बनाइए। श्यामल सिंह के साथ धर्मेंद्र महापात्र, ग्रैंड न्यूज, जगदलपुर।